हेलो बच्चों, आ गए बेटा अपने मैथ्स के पांचवें वीडियो के साथ। भैया हल्की फुल्की तो समझ आने लगी मैथ्स आपके, वो चार वीडियो देखा। बेटा मैंने उनमें क्या बताया, मैं तुम्हें मेनली बेसिक पढ़ाने जा रहा था और बेसिक की बातें मैं स्टार्ट कर चुका हूँ। बिना ये चीज पढ़े कभी मैथ्स नहीं आएगी। जा 100 में 100 ले आओ बोर्ड एग्जाम में, रट के एनसीईआरटी कोई सी बुक, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कोई एग्जाम नहीं निकलेंगे गवर्नमेंट ना, तुम्हें कभी अच्छे से मैथ्स आएगी। कोई कभी भी तुम्हें फंसा सकता है, कोई किताब तुम्हें कभी फंसा सकती है। ये सवाल नहीं आया भैया, ये कैसे लगेगा? तो यहाँ कॉन्सेप्ट्स की बात शुरू की है बेटा, एकदम मैथ्स बेसिक में। मैंने बताया माइनस माइनस क्या होता है, मैथ्स में तुम्हें लिख देता हूं। फूल मार्कर, एक सेकेंड, मैथ्स का बेटा बेसिक कौन सा है, पार्ट 5। अभी तक हमने बेसिक में देखा कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। ये बात हमने किया। और फिर हमने फ्रैक्शंस करना शुरू किया था बेटा, भिन्न, भिन्न की मैंने दो चीज बता दी थी, प्लस कैसे होता है, माइनस कैसे होता है, और मल्टीप्लाई कैसे होता है। आज मैं सबका रिवीजन भी कराऊंगा, लेकिन आज जो मेनली हम पढ़ेंगे बेटा वो पढ़ेंगे फ्रैक्शंस का डिवाइड कैसे होता है, मतलब डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। भैया ये फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन मतलब बेटा भिन्न, जो भी संख्या जो भी नंबर्स अपॉन में लिखे हो वो सब क्या कहलाते हैं, फ्रैक्शंस। मतलब हम ऐसे नंबरों का खेल पढ़ रहे हैं, ऐसे नंबरों को कैसे जोड़ेंगे वो मैंने पढ़ा दिया, ऐसे नंबरों को कैसे घटाएंगे वो मैंने पढ़ा दिया, ऐसे नंबरों को कैसे गुणा करेंगे वो भी मैंने पढ़ा दिया। ये दोनों साथ ही हैं, ये रहे फ्रैक्शंस। आज मैं सिखा रहा हूं बेटा कि दो भिन्नों को, दो फ्रैक्शंस को डिवाइड कैसे करेंगे। जैसे मैंने बोला 2/3 / 1/4, इस वैल्यू का भाग देना है। कैसे करें? बिल्कुल इजी, भाग को बना ले गुणा और एका कर दे उल्टा, मकई का पलटा दो, 4 ऊपर 1 नीचे। भैया इस तरफ वाला नहीं पलटाना, नहीं, हमेशा इस तरफ वाला, राइट साइड वाला हमेशा। अब ये क्या बन गया, मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ऊपर ऊपर का नीचे नीचे का, 2 चक्को 8, 3 एकम 3, आंसर। भैया बहुत इजी, समझ आ गया? तो फिर देखो 2/4 / 1/2 / 1/6। अब घबरा गए लौंडे, पक्का घबरा गए, कुछ लौंडे घबरा गए, मेरे छोटे भाई और बहनें घबराइए मत। तुम्हें पता है ये तो ऐसे ही लिखा, जो डिवाइड है उसको गुणा बनाओ और पलटाओ। भैया फिर डिवाइड है, गुणा बनाओ और फिर डिवाइड की साइड वाले को पलटाओ। देखो तो 2 नीचे था, ऊपर आ गया, 6 नीचे, अभी क्या बन गया, गुणा। और गुणे का रूल, ऊपर ऊपर का नीचे नीचे का, मतलब ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का, 2 दूनी 4 4 6 24, 4 1 4 1 4, आंसर। क्या है आंसर है? हाँ भैया ये आंसर है, पक्का आंसर है। हाँ बेटा आंसर तो है, लेकिन देखो हमेशा देखा करो कि ऊपर और नीचे वाली चीज कोई एक सेम पहाड़े में आ रही है, सेम टेबल में। हाँ भैया आ तो रही है, ये 4 4 का टेबल अगर मैं पढ़ूं तो 4 1 4 4, 4 1 4 और 4 6 24, 4 6 24, मतलब 4 से काट दो, 4 1 4 6 6 upon 1। क्या ये सही है? हाँ ये सही है। अपॉन में 1 भी मत लिखो क्योंकि नहीं लिखा जाता है, हर नंबर के साथ अपॉन में 1 होता है, ये बात हमेशा याद रखना, हर नंबर के साथ अपॉन में 1 होता है, नहीं दिखाया जाता। और दूसरी बात, हर संख्या के साथ कौन सा साइन होता है साथ में, प्लस का, वो भी नहीं दिखाया जाता। अगर मैंने ये वैल्यू लिखी तो रियल में ये वैल्यू ये है, ना प्लस दिखाया जाता है ना 1, लेकिन माइंड में ना भेजे में बात हमेशा रखनी है, दिखाना नहीं है। ठीक है चलो, अब इसके बाद की जो मैं बात करूं, अरे कहाँ है यार डस्टर, डस्टर तो नहीं है, चलो ये जो भी है, मिडिल क्लास लोंडा रे बोले रो मॉडिफाई रे। चलो क्वेश्चन देखो,
आई गई सेना भंग पकड़ के दे काल जे मैं फोटो बोल। सुनो कैसे होगा भैया, ये नहीं पता आपने फ्रैक्शन बताया, आप नंबर दे दिया आपने, गलत है ये, भिन्न दो हम तुरंत कर देंगे उल्टा पलटा। अरे पागलों, मेरे प्यारों पागलों, सबके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, एक है ना। अरे भैया हो गया, चल 2/1, भाग को गुड़ा बगल वाले को पलटा, भाग को गुड़ा बगल वाले को पलटा, भाग को गुड़ा बगल वाले को पलटा। देख ले हो क्यों सामने ये नहीं पलटा है, ऊपर 2 है, बकाया सब पलट गए, सब नीचे चले गए। इस पलटने को रेसिप्रोकल कहते हैं, व्युत्क्रम कहते हैं गणित में, कि संख्याओं का व्युत्क्रम करा दीजिए, नंबरों का रेसिप्रोकल करा दो, समझ लिया, वही उल्टा करा दो। क्या बन गया गुड़ा, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 1 × 4 = 4, 4 × 2 = 8। भैया आंसर, हाँ और छोटा कर सकते हो, हाँ भैया दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 4 = 8, 2 × 8 = 8, मतलब आंसर 3/4, फाइनली। अभी नहीं कटेगा किसी से, कुछ लड़के बोल रहे होंगे भैया 1 से, 1 × 3 = 3, 1 × 4 = 4, लो फिर से वही तो आ गया, वन से कभी नहीं काटते। हाँ भाई जी, सोच रहे होगे कि चलो 12/9/8 है, किसी से कट, 1 से कट रहा है भैया, 1 का बाड़ा 1 नहीं है, नहीं 1 × 8, फिर वही आ गया, क्या कुछ मतलब पड़ा काटने का, नहीं, इसलिए कभी नहीं काटते। ठीक है तो आंसर आ गया 3/4। भैया अब फंसाओ, अब फंसा के दिखाओ हमको, लो बोल भाई। भैया सबसे पहले ये कौन से हैं, ये क्या है भैया, सही बटा वाले हैं, मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है ना, ये भी भिन्न है, इसे मिश्र भिन्न कहते हैं यार, ये साधारण भिन्न है, जो बटे में लिखा हो जब इसके साइड में कुछ और लग जाए तो ये क्या बन जाता है, मिश्र भिन्न। तो पहले मिश्र भिन्न को नॉर्मली साधारण बना ले हो। चलो बना लेते हैं, बनाने का तरीका इन दोनों का गुणा जो उत्तर आए इससे जोड़ दो, 4 × 3 = 12, 2 = 14/4, ऐसे बनाया जाता है, ठीक है इसको बनाते हैं, 2 × 2 = 4, जो इनका गुणा है जोड़ दो, 4 और 4 = 8, नीचे वाला वैसे। भैया फिर मिक्स फ्रैक्शन है, 2 × 1 = 2, 2 और 1 = 3, भैया 2 इसके नीचे 1 है, लगा ले, हाँ अभी सीख रहे हो ना, लगा लो, आगे नहीं लगवाऊंगा अभी कुछ दिन बाद, अभी लगा ले हो, सब परमिशन है अभी, अब तो भैया कुछ दम ही नहीं बची सवाल में, भागे भाग बनाया, पलटा दो 3/2 को, भाग पलटा दो 2/1 को, भाग पलटा दो, क्या बन गया बूढ़ा, करा लो ऊपर ऊपर का नीचे नीचे का, 8 × 2 = 16 = 64, 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 12, और 12 12 जा नहीं, 1 ही है, सॉरी 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 12, 64/12, जिससे काटना हो काट दो। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे भैया 2 से 2 उड़ा दो, 2 से 4 उड़ा दो, सीधा आंसर आ जाएगा, वो सब मुझे भी पता है कैसे आंसर आ जाएगा, ठीक है वो मैं अभी नहीं बता रहा, काटना कूटना अभी सीखो रूल कि चीजें हो कैसे रही, वो तो सॉल्व कर रहे, काटना कूटना सब आ जाएगा, समझ रहे हो, तरीका देखो डिवाइड कैसे लग रहा है, ये बड़ा मेन है, SSC की बुक उठाओगे, सिंप्लीफिकेशन भरा पड़ा है यही सब, एक सवाल नहीं लगेंगे और हर सवाल में इससे आता है, एकदम बेसिक बात है, समझ गए इतनी बात। अब देखो यार यहां पे बड़े बच्चों को दिक्कत, जैसे 64/12 आ गया, किसके टेबल में आएगा भैया, नहीं समझ आ रहा, किसी एक सेम टेबल में नहीं आ रहा है, मैं कुछ लोग सोच रहे होंगे 2 के टेबल में आ रहा है, हाँ ये 2 के टेबल में आ रहा है, दोनों 2 से कटेंगे भैया, कहाँ 2 × 2 = 20 होता है, 20 तक केवल नंबर कटते हैं, 2 से 1 = 64 है, बहुत लोग ये सोचते हैं बेटा, मुझे पता है, उनको लगता है अगर 22 भी लिखा है तो ये 2 से नहीं कटेगा, 2 से 2 ही कटते हैं जो 2 × 20 तक होते हैं, नहीं 20 के बाद 22 भी तो 2 से कटेगा, काट के दिखाऊं, 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 11 बार में, मतलब कि 2 × 11 = 22, 2 × 12 = 24, ऐसे ही पहाड़ा है, मतलब 64 भी आएगा 2 के पहाड़े में, कितने बार में आएगा वो जानने के लिए तुम भाग कर सकते हो, 2 × 3 = 6 = 4,
दो दूनी चार, कितने बार में? 32 बार में। दो का पहाड़ा कितने बार पढ़ूं? 32 बार पढ़ो। दो दूनी चार, तीन दूनी छह, आ गया भैया 64। देखा बेटा, हाँ ये बहुत बेसिक बात है। मैंने तुमसे बोल दिया 1024 दो से कटेगा, भैया कैसे कट पाएगा? कटेगा ये भी, डिवाइड करके देख लो कितने बार में कटेगा। तो ये देखो 32 बार में, और ये कितने बार में? छह। अब फिर ये दो से कटेंगे, भैया क्यों कट रहे हैं? सुन लो यार, जो पूका संख्याएं होती हैं, मतलब जो इवन नंबर होते हैं, वो हमेशा किससे कटते हैं? दो से, ठीक है। 32 है 16 बार में, 3 बार, 16 बटे, ठीक है, क्लियर। सीधा काट सकते हैं, सबको पता है, ठीक है। दो से काट दिया मैंने, ऐसे आया आंसर, बता भी दिया हूं क्यों, ठीक। चलो इसके आगे, चलो अब बताता हूं, क्लियर डिवाइड। अब देखो मैं कंफ्यूज करता हूं, सबसे पहली बात देखा तुमने भैया, माइनस प्लस पक्का कंफ्यूज कर देंगे, भाग भी है माइनस भी, बड़ा परेशानी हो रही है भैया, कोई बिल्कुल परेशानी वाली बात ही नहीं है। देखना पहले तो जितने भी माइनस नीचे हैं उनको कहाँ ले आओ? ऊपर। कभी नीचे माइनस देख के कतई परेशान नहीं होना। बहुत लड़के मैंने ये बात लिखी, ये बात लिखी और ये बात लिखी, इन तीनों में क्या कोई अलग है? हाँ भैया सब अलग है, इसमें ऊपर माइनस है, इसमें बीच में माइनस है, इसमें नीचे माइनस है। बेटा कोई सी दिक्कत ना है, इस माइनस को यहां लिखो, इस माइनस को यहां लिखो, इस माइनस, कोई भी हमेशा तुम माइनस ऊपर कर लिया करो, सकून में आ जाओगे, ठीक है। तीनों बातें एक ही थी, मैं तीनों को माइनस ऊपर लिख सकता हूँ, समझ गए? आराम से, परेशान ना हो। बहुत लोग नीचे से कर लेते हैं, वो अलग बात है, बता रहा हूँ, जड़ से उठा रहा हूँ। वीक से वीक स्टूडेंट, जैसे कि मैथ ना देखियो, बायो साइड से हो, वो भी समझे, हमेशा ऊपर करो, चाहे जितना फंसो, रूल यही से स्टार्ट करना है, बाद में तुम इतना आदत बन जाएगी, अरे भैया आ रहा है, जब मैं भी 2 मिनट में कर दूंगा सॉल्व। चलो भाग को गुणा पलटा दो, ठीक है। ऊपर ही है ना, मैं अभी अभी भाग भाग नहीं बनाना, अभी तुमको नॉर्मल शुरू से माइनस को ऊपर ले आओ, ये माइनस को ऊपर ले आओ, कोई दिक्कत तो नहीं ना अभी तक में। अब चलो गुणा बनाया, इसको पलटाओ, ठीक है। एक एक स्टेप देखो भैया, इसको पलटाया तो ऊपर माइनस के साथ था, इसलिए माइनस के साथ ले गए नीचे, ठीक है, तुम ऐसे ले गए। चलो इसको ऊपर लिखूं, भैया माइनस नीचे ऊपर लिख सकता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता तुम्हें। चलो क्या बन गया भैया गुड़ा? 2 3 6 6 3 18 18 दुनी 36, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, 3 4 12 12 4 48 आंसर। प्लस कभी नहीं लिखा जाता इसलिए आंसर नहीं। काट दो, किससे कटेंगे? 2 से, क्योंकि ये 6 6 है, यहाँ पे 8 है, काट दो। बात समझ आई? ठीक है भैया, अगर इसको सीधा पलटाते तो भी देखो गुणा किया पलट दिया, गुणा किया पलट दिया, गुणा किया पलट दिया, ठीक है, हो गया। इस माइनस को कहां ले गए? ऊपर, फिर वही बन गया, ठीक है, नॉर्मल समझ आया। और देखो इसी में, समझते जाओ बेटा, बड़ी नॉर्मल बात है, समझ आई इतनी बात? माइनस प्लस से कंफ्यूज नहीं,
पक्का 100% भैया? और करवा दो एक दो। चलो बताओ, चलो ये पलटाते हैं सीधा, सब में माइनस है ऊपर, इसके लिए कुछ नहीं तो एक है। मैं पल एक एक बताता नहीं फिरूंगा। समझ आ गई ना इतनी बात? ये एक एक कहां से पैदा हो गया? कुछ लोग सोच रहे होंगे एक एक कैसे आ गया, तो सबके नीचे क्या था? एक एक था ना, ठीक है। इसके नीचे भी कुछ नहीं तो क्या था? एक ऊपर कर लो। माइनस को ऊपर कर लो, बन गया दो एक कम दो, एक कम दो, एक कम दो, एक कम दो। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, दो दुनी चार, दुनी आठ, दुनी 16। दो से काट लो, दो एक कम दो, दो अठे 16, माइनस 1/8 आंसर। हाँ भैया, मतलब कि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, मल्टीप्लाई में जो बोलते हैं वही लिखते हैं, यह बात नोटिस करना, जो बोलता हूं वही लिखता हूं। माइनस माइनस अगर प्लस बोलूंगा तो प्लस लिखूंगा, ठीक है? क्लियर बात? ठीक है, फिट एकदम। अब बेटा मैं तीन चार सवाल देता हूं फ्रैक्शन से, और फिर देखता हूं तुम्हारा लेवल फ्रैक्शंस में कितना हार्ड हुआ। मेरे साथ आ जाओ, सब दूंगा रिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों का रिवीजन कर रहे हैं, पूरा भिन्न पढ़ रहे हैं। हर एक टाइप के सॉल्व सवाल लगवाता हूं भी, एक दो वीडियो, भिन्न से डर खत्म। चलो स्टार्ट। ठीक है, आ जाओ, कर रहे हो तुम लोग? भैया ये क्या है? प्लस माइनस है, ठीक है, ये प्लस माइनस वाला है। भैया इसमें क्या रूल है? नीचे के एलसीएम देख, नीचे के डिनोमिनेटर देखो, हर भैया हर बराबर नहीं है, एलसीएम लो। 2 2 4, 2 3 6, 2 4 बेटा है, भिन्नों का जोड़ घटाना पहले दो वीडियो में यही पढ़ा है, केवल यही यही अच्छे से देख लो, जोड़ घटाना कैसे करते हैं भिन्नों का। तो नीचे के हर बराबर नहीं होते हैं, लासा लेते हैं, देखो 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 1 2, 3 और 4, 2 2 4, फिर से कम दो, यहाँ पे क्या आया? आता है ना, एलसीएम करना सिखाया मैंने उस वीडियो में। 2 2 4, 2 2 8 और 8 3 24, इन सबका गुणा करा लेते हैं ऐसे, ये देखो 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, एलसीएम आ गया 24। अब क्या रूल था? नीचे वाले का पहाड़ा पढ़ो कि ये आ जाए, यहां लिख लिया करो पहाड़ा, यहां लिख लिया करो घूड़ा। जब तक समझ ना आए तब तक, जब समझ आ जाएगा तब ना लिखना भी पहाड़ा और घूड़ा। चलो 4 का पहाड़ा पढ़ो 24 आ जाए, 4 6 24, 6 बार में, जितने बार में आए ऊपर 6 लिखो, 6 2 12, मतलब इसका पहाड़ा जितने बार में आता है उससे ऊपर वाले का घूड़ा हो जाता है, ये देखो। फिर से सेम माइनस लगाया, 6 का पहाड़ा पढ़ो 24 आ जाए, 6 चौक 24, 4 बार में, 4 का ऊपर बुढ़ा, 4 एक कम 4, माइनस था इसलिए माइनस लिया, आगे प्लस लगा, ये प्लस है। 8 का पहाड़ा पढ़ो 24 आ जाए, 8 3 24, 3 बार में, 3 का ऊपर बुढ़ा, 3 एक कम। अब क्या करना है? मैंने जो रूल बताया था वैसे हमेशा फॉलो करना, कतई आंसर गलत नहीं होगा, चाहे जितना हार्ड हो, एक एक रूल, ठीक है? ये प्लस का और ये प्लस का, इसके साथ कुछ नहीं है तो मतलब क्या है? प्लस दिखाया नहीं जाता। 12 3 15, बचा कौन? माइनस का 4 बटे 24, 15 में 4 गए 11, 11 बटे 24 आंसर पहले का। मैच करो सही तो एक नंबर लिख लो। चलो दूसरा वाला, भैया फिर जोड़ घटाना है, प्लस प्लस लगाए, प्लस माइनस बीच में लगाए, नीचे के हर देखने पड़ते हैं। हाँ देखो 12 6 2, भैया लासा, लासा मतलब एलसीएम मेरे, सीबीएसई और आईसीएसई हिंदी मीडियम, लासा पा,
दो एक कम दो, दो तीन छह, दो छंग बारह, किसे काटूं? दो से ही कुछ बच्चे हुए उसे। क्या हो रखा है? ठीक है, आ गया, हो गया, सब नीचे बना गया, एलसीएम खत्म। यह है इनका मल्टीप्लाई, दो दूनी चार, चार तीन बारह। ठीक है, अब फिर से वही, यहां निकले हो पहाड़ा, यहां निकले हो घूड़ा, दो का पहाड़ा पड़ो बारह आ जाए, दो का दो, दो छंग बारह, छह बार में, जितने बार में जाए ऊपर, जितने बार में जाए उसका गुणा ऊपर वाले से, कितने बार में गया? छह बार में, छह का गुणा ऊपर वाले से, छह त्रिक अठारह, छह का पहाड़ा पड़ बारह आ जाए, छह का छह, छह दूनी बारह, दो बार में, जितने बार में जाए ऊपर उसका गुणा, दो चक्को साइन माइनस है, माइनस लगाया, बारह का पहाड़ा पड़ो बारह आ जाए, बारह एक का भैया एक ही बार में, मतलब एक से एक कम, ठीक भाई, चलो बारह ही लिखा, ये भी प्लस का क्योंकि कोई साइन नहीं है, ये भी प्लस का, प्लस 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 होते हैं, अठारह आठ छब्बीस, माइनस छब्बीस में एक गए पच्चीस बटे बारह, कटेगा नहीं किसी से नहीं, आंसर दो नंबर नोट कर लो। चलो तीसरा वाला ऐसे ही करेंगे, तीसरा वाला कोई रस्टर पस्टर नहीं, यही आंसर आएगा भैया, ये जोड़ घटाना नहीं है, मतलब नीचे वालों से कोई मतलब नहीं, हमको नीचे वाले नहीं देखने हैं, ये जोड़ घटाना नहीं है, इसका रूल है ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे नीचे का गुणा, तीन एक कम तीन, तीन एक कम तीन, तीन चक्को बारह, एक दूनी दो, दूनी चार तिहाई बारह, साइन किसका लगाऊं इन सब नंबरों के साथ, इसके साथ तो तीन लगा, इसके साथ क्या लगा, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, मतलब बेटा एक चीज देख रहे हो ना, जब माइनस एक है तो एक ही लग रहा है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे हो गया ये, अब बारह बारह पहाड़, बारह के पहाड़े से बारह एक कम बारह, बारह एक कम बारह, माइनस एक बटे एक, बटे में एक लिखने की जरूरत नहीं, एक मतलब कि कभी भी कोई सेम चीज कटती है तो उत्तर उनका कितना आना चाहिए, एक, जैसे मैंने छह बटे छह लिखा, कट के उत्तर एक, बोलो काहे, मैं बोलूँ छह एक कम छह, छह एक कम छह, एक बटे एक, बटे में एक लिखने की जरूरत नहीं, मतलब आंसर एक, कोई भी सेम डिजिट काटोगे हमेशा आंसर एक, ये बारह बारह कटा आंसर एक, माइनस लगा था माइनस लगा दिया, क्लियर है? ठीक है, यही पता है रामानुजन जी ने अपने सर से इसी बात पे क्वेश्चन पूछ लिया था कि सर अगर सब सेम नंबरों को डिवाइड कराए तो आंसर वन आता है, तो अगर जीरो बटे जीरो कराए तो आंसर वन क्यों नहीं आता, मास्टर चकरा गया भैया सॉफ्ट की हुआ क्या, और बिल्कुल रियल बात है, मजा आएगा इसके बारे में बात करेंगे आगे रामानुजन मैथमेटिक्स में, ठीक है, अभी बहुत हमें गुरुओं की बात करनी है, नहीं पहले ये सीखो सिंप्लीफिकेशन की, मेरे साथ तुम्हें फिर बड़े बड़े राम अपने बाप से छह साल छोटा था अट्ठारह साल पहले, इक्वेशन कैसे बनेंगी, क्रय मूल विक्रय मूल प्रॉफिट लॉस, भैया बहुत हार्ड है, सब यहीं से होगा, देखना पूरे जब तक पढ़ाऊंगा यहाँ पे यूट्यूब पे तब तक यही बातें तुम देखोगे भैया, हर बार यही बातें आ जाती हैं, चाहे परसेंटेज का हो, चाहे प्रॉफिट लॉस का हो, चाहे एलिगेशन मिक्सचर का हो, चाहे रेशियो का हो, चाहे रेलगाड़ी का हो, चाहे टाइम वर्क का हो, चाहे जिसका भी हो, सभी देखना देखना। चलो यहाँ पे भैया पहले मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल बना लेते हैं, तीन बटे दो ये नॉर्मल है, ये मिक्सड में चार एक कम चार और जो है उसमें जोड़ो, चार एक पांच बटे, और सब भैया ये भाई नॉर्मल, चलो ऊपर ऊपर का, तीन पचे पंद्रह, पंद्रह दूनी तीस, दो चक्को आठ, आठ चौक बत्तीस, बत्तीस चक्को एक सौ अट्ठाईस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, जो गुड़े में बोलते हैं वही लिखते हैं, चल अगर दो बार गुड़ा है तो माइनस माइनस भैया प्लस हो जाएगा, तीन बार है तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, मतलब देखो यहां से बात बड़ी अच्छी समझ आई, ये लग गए ना सब, काट दूं दो से पंद्रह बार में, अरे दो से जब भी काटा करो ना सीधा चीजों को आधा करा दो, तीस का आधा पंद्रह, एक सौ अट्ठाईस का आधा चौसठ, पंद्रह चौसठ किसी से जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं आंसर, तुमको एक बड़े काम की बात कहूं, समझ आ गया ये? हाँ भैया तो बहुत ईजी था, बुक लगाओ बैठ के, जो फंसे कमेंट करो, ठीक है, अभी देखो
मैं एक बड़े काम की बात बताता हूँ, तो अपने माइंड में क्रिएट करते जाओ ना सब चीजें। अभी इसमें भी और भी एक दो बातें बताता हूँ। अभी इसमें फंसते कहाँ कहाँ है बच्चे बता रहा हूँ ना, अभी वो वाली क्लास अलग है, पहले इसका रीजन फिर फंसाने वाले सवाल। अब जैसे मैं तुमको बोलू तो माइनस प्लस का यहां से खेल पता चलेगा अच्छे से, दो चक्को आठ, आठ दूनी सोलह, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। तुमने क्या देखा, जब भैया तीन माइनस थे, जब माइनस कितने थे तीन, तो उत्तर भी क्या आ रहा था भैया माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। अब यहां देखता हूं, दो दूनी चार, दूनी आठ, दूनी सोलह, दूनी बत्तीस, दूनी चौसठ, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। हाँ भैया जब कितने थे, एक दो तीन चार पांच छह, जब ये छह थे माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, आंसर क्या आया प्लस। तो फिर देखता हूं, दो दूनी चार, दूनी आठ, माइनस माइनस और प्लस माइनस, तीन वाले माइनस, छह वाले में प्लस। अब एक दो तीन चार पांच, दो दूनी चार, दूनी आठ, दूनी सोलह, दूनी बत्तीस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। अच्छा तुम क्या देख रहे हो बेटा, कि जब माइनस ऑड हो रहे हैं, मतलब ऑड नंबर्स में माइनस, जैसे माइनस यहाँ कितने हैं तीन, ऑड नंबर है तो उत्तर माइनस, माइनस यहाँ कितने हैं एक दो तीन चार पांच, पांच फिर से माइनस उत्तर। मतलब अगर माइनस एक है, माइनस तीन है, माइनस पांच है, माइनस सात है, नौ है माइनस, ग्यारह है माइनस, तेरह है माइनस, तो हमेशा उत्तर माइनस आएगा। और अगर माइनस की संख्या इवन है, मतलब दो है, चार है, छह है, आठ है, तो देख लो छह में प्लस, दो में देख लो माइनस माइनस प्लस, चार में देख लो, छह में देख लो, आठ में देख लो, सब में क्या आएगा प्लस। इससे एक बात पैदा हुई मल्टीप्लाई के बारे में, जब माइनस की संख्या नक्की होगी, नक्की मतलब एक तीन पांच सात, जो दो से ना कटे, जब माइनस की संख्या नक्की होगी तो उत्तर माइनस में आएगा, और जब माइनस की संख्या पूका होगी, पूका मतलब दो चार छह आठ दस बारह इस तरह की, तो हमेशा प्लस आएगा। क्लियर? अब मैं तुम्हें बोलूं सवाल बिना किए, मुझे बताओ माइनस में उत्तर आएगा प्लस में, भैया एक दो तीन, तीन नक्की माइनस में, कुछ भी उत्तर आएगा वो माइनस में आएगा, चेक कर लो माइनस में प्लस में। एक बात थी बताने वाली, माइंड में सेट कर लो एक ट्रिक की तरह, बेसिक पता हो गया ना क्यों हो रहा है, याद रखो खत्म। चलो अभी इसी में तुमको और आगे बढ़ाता हूं, इसके बाद तो अपना शुरू होगा डीमास, जब सब साथ आ जाए भैया तब क्या करें, अभी तो सब अलग अलग सिखा दियो, सब साथ आ गए तो वो बात की बात है। यहां देखो थोड़ा बच्चों को डराने के लिए, अब भैया भाई ये एक ऐसा सिंबल है ब्रैकेट से लोग वाकई भाई फट जाती है, अरे बाप रे ब्रैकेट वाले सवाल बहुत बड़े बहुत हार्ड होंगे। तो यार ब्रैकेट होता है कपड़े पहना दिए का, गंदा सा नंबर लग रहा था कपड़े पहना दिए, बता दिया है पूरा तेरा है, पूरा इसमें है इस कपड़े में, बस भौकाल बाजी है ये ब्रैकेट। अच्छा भैया वो तो बोर्ड मास में आपको बताएंगे, हाँ वहां पे मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे भौकाल बाजी है, ठीक है, ब्रैकेट से कभी कुछ नहीं डरना। हाँ ब्रैकेट का मतलब बेटा मल्टीप्लाई होता है, देखो जैसे अगर तुमको मैं ये बोलू और ये बोलू, बीच में अगर इसके कोई साइन नहीं है तब तो ब्रैकेट मतलब क्या माना जाता है, दो तीन छह, यहाँ पे भी दो तीन छह, मतलब ब्रैकेट का मतलब होता है एक तरह से मल्टीप्लाई ही, ठीक है समझो, सुनो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे अगर कोई चीज तो भाई इनके बीच में कोई साइन नहीं है ना, तुम्हारा मल्टीप्लाई तो है ही, तब ये बताओ ये प्लस है और ये माइनस, तो प्लस माइनस, ये प्लस है माइनस है, प्लस माइनस हो गया,
अब नॉर्मल मेथड से सॉल्व कर लो। अरे प्लस और माइनस का गुणा करा दिया, ब्रैकेट का मतलब गुणा, जो यहाँ बताया कि दो चीज अगर ब्रैकेट में साथ रखी है तो हम तो गुणा कराते हैं, बच्चे नहीं समझ पाते हैं ये, जो चीजें साथ में लिखी होती है बीच में कोई साइन नहीं होता है हमेशा गुणा मानी जाती है। जैसे मैं लिख दूं कभी एक बात मानना 2x, तो 2 और x के बीच में कौन सी जगह क्या साइन है गुणे, किसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, समझ रहे हो। ऐसे मैंने लिख दिया एक ब्रैकेट में ये, एक ब्रैकेट में ये, मतलब 4 2 8। इसी तरह यहां पे भी तो वही हो रहा है, प्लस और फिर ब्रैकेट मतलब गुणा है माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, ठीक है ऐसे करा लो। तो गुणा उड़ा नहीं समझना तो ऐसे, अब वही नीचे घर बराबर नहीं लासा लिया, 4 3 12 3 2 6 3 4 12 4 1 5 4 2 6 12 6 6 24 जोड़ लिया घटा दिया, समझे। और देखना, देखते जाओ, मैं केवल डरा रहा हूं, केवल डरा रहा हूं, कुछ नहीं भैया। प्लस माइनस माइनस, ब्रैकेट खत्म किया, प्लस माइनस साइन का गुणा करा दिया, प्लस अब ये इस माइनस को ऊपर ले आता हूं, प्लीज आपने बताया था, ठीक है। अबे ब्रैकेट से डरने की कोई बात है क्या, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर हटा लो इसे, कोई दिक्कत ना। -2 4 -3 2 प्लस माइनस, जब साथ में साइन लिखे हूं या ऐसे दोनों के बीच ब्रैकेट लगाओ, इनका मतलब गुणा, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, समझ रहे हो इस बात को, ठीक है। और देखो देखना, बोलो भैया क्या दिक्कत है, -2/4 प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस भैया ऊपर नीचे माइनस है, खत्म कर दो। हाँ सीधा ऊपर नीचे माइनस है, काट सकते हो, मतलब खत्म, ये वैल्यू बन गई प्लस की, ये खत्म हो गए, प्लस खत्म, क्या बन गया भैया, जोड़ घटाना नीचे गैर बराबर नहीं ला सा लेके सॉल्व करते, समझ आई बात। क्या कुछ ब्रैकेट डरा रहा है, कुछ कर रहा है क्या ब्रैकेट, फर्जी सोचे पड़े हो। जैसे मैंने ये लिखा तो इसका मतलब इन दोनों के साथ है ब्रैकेट, ये लिखा तो खाली इसके साथ है ब्रैकेट, इसे ऐसे भी लिख दो, कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। ब्रैकेट ब्रैकेट से कुछ नहीं डरना, चीजें ऐसे सॉल्व होंगी। अब हाँ आपको बोलते भैया 2/3 माइनस माइनस है, तो अब इन दोनों के बीच में कौन सा भैया, अब तो ब्रैकेट भी नहीं लगा कि मैं माइनस माइनस प्लस कर दूं, अरे तो कोई साइन नहीं है, मतलब गुणा ही है, माइनस माइनस प्लस, मतलब कि ये चिन्ह साथ हैं, तो लड़के सोचते हैं माइनस लिखें क्या लिखें, तो जब भी चिन्ह साथ हो या ब्रैकेट में, वही बात बार बार, तो माइनस माइनस प्लस, समझ आ गया। चलो करो एक सीरीज फिर, सब डाउट क्लियर करा दूंगा। बस डराया है, खाली डराया है। चलो स्टार्ट करो भैया, मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल बनाए, 4 2 8 और 8 और 1 9। अब बहुत लोग यहां सोचते हैं 8 माइनस 1, कुछ नहीं, तुमसे मतलब ना इस माइनस, 4 2 8 8 1 9, ठीक है। हाँ भैया बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत भाग भैया, ब्रैकेट कोई दिक्कत नहीं, ठीक है हटा लिया, कोई दिक्कत ना है, साइन कोई दिक्कत, ठीक ब्रैकेट हटा लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो वही रूल अपनाओ, भाग को बनाओ गुणा, पलटा दो,
पलटा दो, सब माइनस ऊपर ले आओ, ठीक है ना, नीचे नहीं ना ऊपर ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, बताता चला रहा हूं सब। 9 3 27, 27 3 81, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 4 6 16, 16 2 9 आंसर। क्या था सवाल में? कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। हाँ अगर यही सवाल सेम मिडिल क्लास लौंडा गाना वही सेम सवाल प्लस 4 2 8 1 9 अब प्लस माइनस माइनस, यहां मत घबराना कि डिवाइडर माइनस, भाई आपने बताया नहीं कोई मतलब नहीं डिवाइड में इस चीज से, यहां मतलब प्लस माइनस, ठीक है क्लियर पूरा अच्छे से? कोई दिक्कत हो बेटा कमेंट्स करो प्लीज यार, जिसे मैथ ना आती हो दिल से रिक्वेस्ट है शेयर करें चैनल मेरा, उन बच्चों तक पहुंचाए चाहे डाउनलोड करके उनको दे दे, ये मतलब नहीं है, लेकिन प्लीज जो भी बच्चा पढ़ रहा है वो अपनी तरह मान के सब तक ये वीडियो पहुंचाए, जिससे कि हर इंसान हर बच्चा मैथ से डरे ना, क्योंकि मैथ में वाकई कुछ नहीं है। आज के कॉन्सेप्ट्स के नोट्स बनाओ बढ़िया से, हर तरह के सवाल देखो, तुम्हारे पास जो भी बुक है उसमें फ्रैक्शन चैप्टर उठाओ, अपने SST में भिन्न नाम से फेमस है, इंग्लिश में फ्रैक्शन नाम से फेमस है, उठाओ सॉल्व करो, आंसर मैच कराओ, पूरे मेथड यही लगने चाहिए। अभी से ये नहीं शुरू करना है कटा कटा थ्री थ्री ये वो भैया ये उड़ा उड़ा उड़ा, खत्म, फंस जाओगे 20 बार में आंसर मैच होगा, और वहां जब पेपर देने जाओगे ना कॉम्पिटिशन 30 सेकंड से 40 सेकंड में और 35 सेकंड में एक आंसर लगना चाहिए, समझ रहे हो? तो आगे की बात है, आंसर तुमको जल्दी जल्दी नहीं, बिल्डिंग जल्दी जल्दी नहीं चढ़ना कि 4 दिन में सीख जाओ, समझ के चलना बेटा, बहुत गहरी बात है लाइफ में। मैथ्स तुम्हें प्रैक्टिस से पक्का करेगी, हाँ लेकिन 6 महीने में तुम पक्का हो जाओगे, दिल से मेहनत कर ली तो ये गारंटी है। फिर तुम हर टाइप की बुक उठाओ फिर देखो क्या नहीं आ रहा, कहाँ छूट गया, ठीक है? तो मेरे साथ लगे रहो और प्लीज मेहनत करो, ये सब चीज केवल आपके लिए बेटा, ठीक है ना। यूट्यूब पे केवल मैं उन बच्चों को देख के बड़ा ही ज्यादा परेशान था कि यार इनको कैसे पढ़ाया जाए, तो मैं यूट्यूब पे सब पढ़ो, ठीक है? चलो बाय, मजे करो।